भारतीय जनता पार्टी की किस्मत अच्छी है कि उसके विरोधी उसे कोई ना कोई ऐसा मुद्दा दे देते हैं जिससे उसकी खिसकती जमीन फिर से उसके कब्जे में आ जाती है। मोदी और भाजपा विरोध में बना इंडी अलायंस सेक्युलरिज्म के नाम पर हिंदू और सनातन धर्म विरोध पर आकर अटक गया है। इंडी अलायंस के पावरफुल घटक डीएमके के नेता और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन की सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री के पोनमुडी के बयान से इंडी अलायंस में खलबली मच गई है। उनका बयान सिर्फ सनातन धर्म विरोधी नहीं बल्कि इस बात का खुलासा है कि इंडी अलायंस का गठन ही सनातन धर्म विरोध के आधार पर किया गया है। अब इंडी अलायंस के सभी घटक दलों को सफाई देनी पड़ेगी कि सनातन धर्म पर उनके क्या विचार हैं। इस एक तरफ राजनीतिक लड़ाई का मुद्दा बन गया है तो दूसरी तरफ विश्व हिंदू परिषद ने 30 अक्टूबर से देश भर में यात्राओं का आयोजन करने का ऐलान कर दिया है। यह वो समय होगा जब 5 राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव हो रहे होंगे। स्टालिन के बयानों और विश्व हिंदू परिषद की यात्राओं के ऐलान से हिंदू गैर हिंदू की लड़ाई का नया मैदान तैयार हो गया है जिसका राजनीतिक फायदा भाजपा को ही होगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे रामरथ यात्रा ने देश में हिंदू नव जागरण का माहौल बनाया था। यात्राओं का मकसद सत्य सनातन हिंदू धर्म पर हो रहे हमलों का विरोध करना है। खुद को हिंदू नेता कहने वाले और बाबरी ढांचे को तोड़ने का श्रेय लेने वाले बाल ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे का यह बयान भी चौंकाने वाला है कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिलान्यास के बाद गोधरा जैसा कांड हो सकता है। सन 2002 में राम जन्मभूमि पर रामलला के दर्शन करके लौट रहे हिंदू तीर्थयात्रियों को गोधरा में उनके ट्रेन के डब्बे को आग लगाकर जिंदा जला दिया गया था, जिसके बाद गुजरात में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे। इन्हीं दंगों के कारण सोनिया गांधी ने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर कहा था। अब स्टालिन और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटों के सनातन धर्म विरोधी बयानों और उसमें उद्धव ठाकरे का बयान जोड़ने के बाद तस्वीर कुछ ऐसी बन रही है कि इंडी अलायंस की रणनीति हिंदुओं को जातियों में बांटना और अल्पसंख्यकों को अपने साथ लाकर भाजपा और मोदी को हराने की है। क्योंकि जब से उदयनिधि का बयान आया है तब से गठबंधन के सभी दलों का सेक्युलरिज्म खुलकर सामने आ रहा है। इंडी गठबंधन के किसी नेता ने अभी तक उदयनिधि स्टालिन के बयान की निंदा नहीं की है।